हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. आई होप सब लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियरली. लेट मी चेक यहाँ से आवाज़ क्लियर है क्या. ओके, देख लेते हैं. हाँ, आई थिंक इट्स ओके. हाँ, आई थिंक इट्स वर्किंग वेल. चलो, गुड, ऑल राइट. So I will put this on here so that आप लोग के कमेंट्स में देख सकूं. इसके लिए इसको ऑन कर देते हैं यहाँ पे भी. और राइट, चलो, ग्रेट, है ना, सुपर्ब. सो आई थिंक मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन. श्रावण इज सेइंग हेलो. हेलो श्रावण, वेलकम टू द सेशन. ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन कहते हैं हाई. हेलो ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन. सो COEP lover is saying कि सर फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, प्लीज anybody help. ओके, सो दिस इज अ फिजिक्स क्लास. हाय विनीत, हेलो कोमल, हाय रिलैक्स टाइम. यस, चलो शुरू करते हैं. सो फॉर दोज हु डोंट नो मी, हेलो नमस्कार, दिस इज योर एजुकेटर खुशवंत फतनानी, स्टार्टिंग ऑफ विद दिस सेशन, है ना. यहाँ पर हम लोग आज थर्मोडाइनमिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देख रहे होंगे. इसके पहले कि मैं शुरू करूँ, एक सुंदर सा विचार. विचार ये है कि जितना ज़रूरी है काम को करना, उतना ही ज़रूरी है उसे परसिस्टेंटली करते रहना. यानी कि बार बार लगातार जब हम प्रयास करते हैं तब जाके सफलता मिलती है. कई बार हम मोटिवेट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से कि यार आज से मेहनत करेंगे. शुरू तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं करते. कंटिन्यू करते रहना. आपका CET का एग्ज़ाम नज़दीक है, निकट है, है ना. बोर्ड्स का, फिजिक्स का पेपर हो गया, अब अपना काम है यार उस पेपर के लिए जो आने वाला है करते रहना है काम, irrespective of what is happening in the present, right? Persistence. ये आज का keyword, positive विचार. I'll share the screen आप लोगों के साथ और फिर हम लोग आज के session का शुभारंभ कर देते हैं. चलो, so सबसे पहले topic है ना, तो आज हम देख रहे हैं, मैंने जैसा बताया, thermodynamics, ठीक है. पिछले साल के कुछ अच्छे सवाल, और अगर आप लोग चाहोगे कि सर थोड़ा सा formula का भी revision चाहिए, तो हर एक क्वेश्चन को लेते हुए उसके फॉर्मूलाज का भी डिस्कशन करते जाएंगे, राइट. तो थर्मोडायनेमिक्स के MHT CET PYQs हम लोग लेने जा रहे हैं. जहां पर जरूरत पड़ेगी कुछ किसी और एग्जामिनेशन की तो वो भी देख लेंगे. अभी हमने शुरू किया तो हम लोग इसको अराउंड 12:30-12:40 तक लेकर जाते हैं, ठीक है. चलो, ग्रेट. सो वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी. जो मुझे नहीं जानते हैं, माई नेम इज खुशवंत फतनानी. मेरा बैचलर्स हुआ है VIT वेल्लोर से. कई सारे बच्चे पूछते हैं सेशन के बीच में, सर आपने ग्रैड कहाँ से किया, अंडर ग्रैड कहाँ से किया, है ना. उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स IIT से किया. आई वर्कड एट सिंगापुर नानियांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ काम किया एट बैंगलोर. ये सारी जगहें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इन जगहों से काफ़ी कुछ सीखा. सो हैड इट नॉट बीन फॉर दीज प्लेसेस आई वुड नॉट हैव बीन वेयर आई एम, है ना. हर जगह का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. ऑफकोर्स आपकी अपनी जर्नी और भी सुंदर हो, ऐसी मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं. सो इन जगहों पर काम किया, देन वर्कड इन दिल्ली, इन मुंबई, आकाश, है ना. और वहाँ से जो भी एक्सपीरियंस मिला अब यहाँ आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ. प्लस मेरा अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, फिजिक्स विद फतनानी. शुरू करते हैं. सो अपने कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा, है ना, यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हमेशा इन्वॉल्व रहा. तो तुम लोगों को भी जब भी मौका मिलता है, डू मेक श्योर कि अपने बेस्ट कंट्रीब्यूशन दो जो भी तुम फील्ड में हो, है ना. इस वक्त प्लस के प्लेटफॉर्म पर लक्ष्य बैच चल रही है जो कि 5 मार्च से चालू हुई है. आपको उसके सारे रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल हैं. कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ड्यूरिंग द कमेंट्स मुझसे पूछ सकते हो. विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू. अगेन टुमारो, मुझे अभी भी टीम ने ये एक पोस्टर भेजा, मतलब आई वॉज इन कॉन्वर्जेशन विद द अनअकैडमी का महाराष्ट्र बोर्ड टीम. उन्होंने बताया कल आप लोगों के लिए सुबह 10 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट है. यानी कि अगर आप सोचते हो कि आप फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना चाहते हो तो अनअकैडमी उसमें आपकी हेल्प कर रहा है. फील फ्री टू प्रिपेयर वेल और कल सुबह स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है. किसी को अगर लिंक चाहिए हो स्कॉलरशिप टेस्ट की तो लेट मी नो, मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में उसे पेस्ट कर देता हूँ. कितने बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप टेस्ट कल देना चाह रहे हैं अनअकैडमी का MHT CET कैटेगरी के लिए. आज 28th है, ये 29th को है टेस्ट, राइट. सुबह सुबह 10 बजे. आई जस्ट चेक द कमेंट्स, अगर आप लोगों को ज़रूरत हो वी कैन जस्ट सेंड द लिंक हियर. काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स हैं. निहार सिंह हाई, देन भुवाल सिंह वेरी गुड आफ्टरनून भुवाल, सुनील सिंह हाई हेलो, ऑल राइट. भार्गव सिंह की सर मैंने आपके
नंबर पर प्रॉब्लम पूछा है रिगार्डिंग प्लस. ओके सो हाय सूरज, वेलकम टू द सेशन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? चलो शुरू करते हैं. किसी को भी जरूरत होगी स्कॉलरशिप टेस्ट की लिंक की तो मुझे बता देना, यस सर लिख के वी कैन गो अहेड विद द लिंक का सब. मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? चलो स्टार्टिंग ऑफ. देखो पहला सवाल अपन लोग लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे. ये टाइप आते हैं क्वेश्चंस के जहाँ पे आपको वर्क पूछा जाता है, ठीक है? वर्क के कैलकुलेशन पे लिख लेना अपने पास दो तरह से, या अपन एक मेन फॉर्मूला लेते हैं उसके अपन सब्सिडरीज देख लेंगे. तुम लोगों ने सीखा है ना एवरीबॉडी, वर्क के कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको मान लो इक्वेशन से निकालना है तो इंटीग्रेशन पीडीवी, ठीक है? राइट, याद आ रहा है? और अगर ग्राफ के जरिए निकालना है तो प्रेशर और वॉल्यूम का एरिया. आई रिपीट, प्रेशर और वॉल्यूम का हमने ग्राफ बनाया, इसका एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी या वर्क डन, ठीक है? राइट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट. अब थोड़े सवाल लगाते हैं, क्या बोलते हो? तैयार सभी लोग है ना? अच्छा, लिंक के लिए बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है? तो आई सेंड इट, ठीक है? राइट, मैं एक बार यहाँ पे आप लोगों के लिए देख लेता हूँ, लिंक मेरे पास आने के आदमी ने भेजी हुई है. तब तक मैं एक सवाल देता हूँ, तुम लोग लगाओ. मीन वाइल आई विल ऑल्सो टेक द लिंक, है ना? सो आई स्टार्ट द टाइमर, यहाँ से टाइमर ले लेते हैं. वन मिनट, सो मैंने आप लोगों के लिए टाइमर रखा हुआ है ताकि आसानी हो. जस्ट अ सेकेंड. यस, ठीक है, ऑल राइट, है ना? इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि सब लोग लगा सको. सो ये रहा सवाल आपके सामने. सवाल में आपको कहता है क्वेश्चन कि हमें एक आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस अगर प्रेशर की वैल्यू आपको दी हुई है. अच्छे से लिखना, ठीक है? एग्जाम के दिन में ना यही क्वेश्चंस काम आते हैं. सो ध्यान से अच्छे से लिखो. क्वेश्चन में आपको दिया जाता है प्रेशर इज 3 पास्कल्स, क्योंकि प्रेशर का यूनिट है, और जो वॉल्यूम चेंज होती है, इनिशियल वॉल्यूम थी 3 मीटर क्यूब, और यहाँ से ये बढ़ के हो जाती है 6 मीटर क्यूब, ठीक है? क्वेश्चन कहता है ये फाइनल वॉल्यूम है, आपको निकालना है व्हाट इज द वर्क डन. बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, वर्क का कैलकुलेशन करना है. अगेन ये जो क्वेश्चन है ये पिछले सालों पर बेस्ड है, ठीक है? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इजी कैटेगरी. आपको सवाल में ऑप्शंस दिए हुए हैं एज 2 जूल्स, 3 जूल्स, 6 जूल्स, देन 9 जूल रिस्पेक्टिवली. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 1 मिनट का समय होगा, ठीक है? वो भी बहुत ज्यादा है. शुरू करते हैं, टाइमर शुरू होता है अब. चलो गो फॉर इट एवरीवन. आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट 3 पास्कल का, वॉल्यूम चेंज होती है 3 मीटर क्यूब से 6 मीटर क्यूब, आपको वर्क निकालना है. फॉर्मूला अभी अभी पिछले पेज पे था, देख लो दोबारा से इफ यू ऑल वांट. यहाँ ले आते हैं, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है? वर्क इज इंटीग्रेशन पीडीवी या एरिया ऑफ द पीवी ग्राफ. चलो गो फॉर इट एवरीबॉडी. यस सुपर्ब, काफी बच्चों के जवाब आ गए, 30 और सेकेंड है एवरीवन. यस फिर डिस्कस करते हैं आंसर. गुड गुड गुड, लगाओ लगाओ लगाओ. आ गए सबके आंसर. 7 और सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1. मैं टाइमर स्टॉप कर रहा हूं. एनीबडी आंसर्स इन द कमेंट्स, गो अहेड जल्दी से. चलो क्या बात है, देखते हैं. तो यहां पर कुछ बच्चों ने आंसर दिया है सर ऑप्शन नंबर डी, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब. अब इसका आंसर देखते हैं एवरीवन, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखना. हाँ नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हम सीखते हैं, ठीक है? न बनाकर ही इंसान सीखता है. देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक बड़ा सिंपल था. तुम लोगों ने अभी अभी देखा कि वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, राइट, या इंटीग्रेशन पीडीवी. इसका मीनिंग समझो. अब मैंने अगर प्रेशर अंदर रखा है और अगर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, लास्ट ईयर क्लास 11th में तुमने मैथमेटिकल मेथड्स में पढ़ा है सारे कांस्टेंट वैल्यूज इंटीग्रेशन के बाहर जाते हैं, ले जाओ, क्या बनेगा? इट विल बी पी इंटीग्रेशन डीवी, है ना? लिमिट्स लेना फ्रॉम VI टू V फाइनल, V इनिशियल टू V फाइनल. देन हमारे पास आता है प्रेशर टाइम्स ऑफ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम,
राइट right? अच्छा अब तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर फाइनल इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर है? बिल्कुल है सर, अभी अभी आपने बताया प्रेशर है 3 पास्कल का, इसको डालो। इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम भी देखो दी हुई है 3 और 6, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो 3 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 3। जल्दी से बता दो आंसर कितना आता है, अब तो आ गया होगा, चलो फटाफट से। अरे अब तो आ जाएगा, जल्दी करो 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 करो, तब तक मैं टाइमर रीसेट कर देता हूँ, है ना। अरे क्या बात है, अरे अब तो आंसर आ ही जाएगा, बहुत बढ़िया। देखो देखो क्या आता है आंसर, गुड सुनील, पाए भार्गव, रिलैक्स नाइम, राहुल, सुपर्ब सूरज, बहुत बढ़िया। देखो आंसर आ रहा है 3 3s दैट इज 9 जूल्स। मैं रिपीट करता हूँ, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेशर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम के इनिशियल वॉल्यूम तक दिया हुआ था। क्वेश्चन में हमें वर्क कैलकुलेट करना था, हम जानते हैं वर्क इज एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, ये जानते हुए हमने बस गाड़ी को आगे बढ़ाया, पी बाहर ले गए, प्रेशर को बाहर लेते ही अंदर इंटीग्रेशन डीवी आया, बस सॉल्व किया, फटाफट आंसर तक पहुंच गए। अगला सवाल लेते हैं, एवरीवन गेट रेडी, ये क्लियर है ना सभी को, सीएलआर लिख देना मीनवाइल, किसी को दोबारा समझना हो ना सर वंस अगेन लिख देना, वील टेक द क्वेश्चन इसी तरह का एक बार फिर से। अब मैं एक और सवाल ले रहा हूँ, अब की बार आपको क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आपको एक ऐसा साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, ये दिया हुआ है बिटवीन 100 एंड 200 पास्कल्स, 100 से 200 पास्कल्स, और साथ ही साथ साइकिल में एरो दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ आपको वॉल्यूम का वैल्यूज दी जाती है, अगेन फ्रॉम 10 to 30, और यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं मीटर क्यूब एंड पास्कल्स रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन आपसे कहता है अगेन कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस। मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि वर्क का कैलकुलेशन करने के लिए हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना यह एक साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में हम कैलकुलेट करते हैं उस साइकिल के अंडर का एरिया। मतलब मैं आप मार्क कर देता हूँ, तुम लोगों को ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, बोलो सब लोग कर लोगे, एवरीवन ये वाला एरिया अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑप्शंस लिख देता हूँ, ऑप्शंस आई हियर ऑन द स्क्रीन, डियर लर्नर्स गो फॉर इट। पहला ऑप्शन है 2 किलो जूल्स, ठीक है, देन 200 जूल्स, फिर आता है 2 जूल्स, या नन ऑफ दीज। मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ और क्वेश्चन दोहरा देता हूँ, पीवी ग्राफ दिया है आपको, प्रेशर इनिशियल फाइनल और वॉल्यूम भी दी हुई है, इस बार हमको एरिया अंडर द ग्राफ से क्वेश्चन का आंसर निकालना है, वर्क की कैलकुलेशन। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 2 किलो जूल्स, 200 जूल्स, 2 जूल्स, या नन ऑफ दीज। शुरू करता हूँ यहाँ पे पोल, टाइमर ओवर टू यू एवरीबॉडी, टाइमर चालू है, बनाओ। इस क्वेश्चन के लिए भी 1 मिनट के समय से ज्यादा मत लेना, गो फॉर इट। यस चलो, गुड गुड गुड, काफी बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, गुड नेहार, वेरी गुड, यस सुपर, चलो चलो बनाते जाओ बनाते जाओ, बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं, करते जाओ, बहुत ही सिंपल है, बना लोगे। यस गुड गुड गुड, भार्गव ने भी ट्राई कर लिया, बाकी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, सिंपल है, इसके अंडर का एरिया निकालो, ठीक है। लिखोगे तुम लोग एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू वर्क डन, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, देखो हाइट कितनी और बेस कितना है, आंसर आ जाएगा। यस सुपर, काफी बच्चों ने कर लिए कोशिश, अरे 1 मिनट समाप्त हुआ, 5 4 3 2 1, ठीक है चलो गुड, देख लेते हैं किस किस का आंसर आया, रिलैक्स, विनीत, डीजे, भार्गव, बहुत बढ़िया। अब देखो तुम लोग ये जानते हो ना, किसी भी ट्रायंगल का एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, यहाँ भी वही हो रहा है। देखो अब हम लोगों के पास बेस है यहाँ पर ये, तो 30 से 10 का रीजन कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 20 होगा, यस। अच्छा वैसे ही 200 से 100 का रीजन कितना हो जाएगा, 100, राइट right? अब सीधा क्या करना है, हाफ बेस इनटू हाइट करना है, करो, कितना हो जाता है, देखो बेस अपन के पास 20 है और हाइट अपने पास कितनी है, 100, तो देखो आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे ऊपर 2000 तो आ रहा है, हाँ लेकिन इससे लग सकता है कि 2000 आंसर है, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे 2 भूल गए होंगे, तो इसको 2 से भी डिवाइड करना है, तो आंसर एक्चुअली 1000 जूल्स या 1 किलो जूल आने वाला है कि नहीं, देख लो जरा, कोई डाउट हो पूछो, मैं फिर दोहराता हूँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ बेस हाइट, बेस हमें दिख रहा है 20,
हाइट है 100, तो हमने सीधा सीधा आंसर निकालना है हाफ इंटू 100 इंटू 20 विच गिव्स यू 1000 जूल्स. करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज. ये भी होता है कई बार आंसर. ठीक है चलो ग्रेट, इजी था, क्लियर है. एक बार CLR लिख दो, इसको कॉपी में लिखने के बाद W लिखना स्क्रीन पे. अगला सवाल लेते हैं एवरीबॉडी. यस, अब मैं एक PYQ लेता हूँ. ठीक है चलो, ऑन द सेम लॉजिक. यस बनाओ एवरीबॉडी, गो फॉर इट. एक क्वेश्चन लेते हैं इसी लॉजिक पे, सेम लॉजिक पे. ठीक है, दिस इज फ्रॉम, अगेन ये प्रीवियस ईयर्स का एक सवाल है. ठीक है यस लगाओ, डन सबका हो गया. चलो चलो कर लो कर लो, सभी लोगों ने कर लिया ना, बढ़िया. तो सवाल लेते हैं. ऑल राइट, यहाँ देखना, इसको वापस सेट टू जीरो कर देते हैं, तुम लोगों के लिए सवाल लिख लेते हैं. सो हियर इज द क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे. सो दिस इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर. मैं यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी. चलो अब ये क्वेश्चन है, 2019 के नीट के पेपर से. तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा सर नीट का भी क्वेश्चन. हाँ, क्योंकि ना इस बार MHT CET ने अपना जो अनाउंसमेंट फॉर्म है उसमें बताया है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे दे विल बी एट पार विथ द डिफिकल्टी लेवल जिसमें सवाल पूछे जाते हैं जेई और नीट में. तो बेहतर है अपन तैयार रहे, है ना. आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच ऑफ दीज सिस्टम्स, इन विच ऑफ दीज प्रोसेसेस, लिखना हाँ अपनी कॉपी में, तभी एग्जाम के दिन यू विल हैव अ क्वेश्चन बैंक टू रिवाइज फ्रॉम. इन विच ऑफ दीज प्रोसेसेस हीट इज नीदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, हीट इज नीदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसके लिए अपन 30 सेकेंड ही लेंगे. ठीक है, न एब्जॉर्ब होती है न रिलीज होती है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, और अपन हर प्रोसेस को एक बार ब्रीफ में देख लेंगे. सो ऑप्शन है हमारे पास, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक. शुरू करते हैं पोल, तैयार सभी लोग, एवरीवन. बहुत इजी आंसर है और तुम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा भी हुआ है. देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं. आई रिपीट, इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट न ही एब्जॉर्ब होती है ना, और न ही रिलीज होती है. आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक. पोल शुरू करिया जाए. चलो टाइमर शुरू हो गया है, दो आंसर फटाफट. गुड, काफी बच्चे यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया. करो करो, ये सिंपल सवाल है, सब लोग लगा लोगे. हाँ, अगर स्क्वायर हुआ, निहार, निहार जैसे कह रहा है कि सर अगर पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर होता तो ऐसे केस में हम स्क्वायर का एरिया ले लेते. निहार है ना, गुड. एक बार निहार के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार. गुड यार, बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, सुपर. ऑल राइट, जादव जी कह रहे हैं सर सी. ओके सर, यूट्यूब पर भी पोल का ऑप्शन आ गया है. हाँ वो तो है, बट फिलहाल मेरे पास इसका एडमिन एक्सेस नहीं है. नेक्स्ट टाइम मैं एक बार टीम से इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ. ठीक है, सो ये आपने अच्छा याद दिलाया, बिकॉज मैं अपने चैनल पर जनरली ऐसा करता हूँ, आई टेक द पोल्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो अपनी जूम क्लासेस के साथ साथ. गुड 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 गुड. अरे अपन ने 30 सेकंड से ऊपर कर दिया, चलो एक मिनट ही हो गया इसके लिए भी. हाँ, पांच और सेकंड. 5 4 3 2 1 पोल मैं क्लोज कर रहा हूँ. चलो ग्रेट, बहुत ही सही, काफी बच्चों ने बढ़िया किया है, सुपर. सी डी, काफी सारे डी के साथ हैं. क्या लगता है, कुछ बच्चे आइसोथर्मल कह रहे हैं, एडियाबेटिक भी बोल रहे हैं. देखो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, बोलूं, अच्छा ऑप्शन नंबर ए ना इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है. तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी. कोई बात नहीं, देखो याद रखो बारिक, ठीक है, आइसोबारिक का मीनिंग है बार प्रेशर का यूनिट है. ठीक है, सो इट्स अ प्रोसेस वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट, उसको हम आइसोबारिक कहते हैं. कोरिक में ना हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो देन दैट प्रोसेस इज आइसोकोरिक. थर्मल, थर्म वर्ड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो आइसो वर्ड का मतलब होता है इक्वल या जो सम रहे, सेम रहे. ठीक है, सम और सेम, देखो वर्ड सम refers to same in English. सम रहना, सेम रहना या आइसो रहना, एक ही जगह पर रहना. ठीक है, सो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और जब सिस्टम का
हीट वैल्यू ना बढ़े ना घटे, दैट इज नो हीट एंट्री नो हीट एग्जिट, तो हम उसे कहते हैं एडियाबैटिक. ठीक है, हीट रिलीज्ड दैट इज क्यू, हीट रिलीज्ड एज वेल एज हीट एब्जॉर्ब्ड इज जीरो, उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक. क्लियर है सभी को? सीएलआर लिखना और इस क्वेश्चन को सब लोग अच्छे से लिख लो अलॉन्ग विथ हर क्वेश्चन का क्या आंसर है. छोटी सी भी चीज है, इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए. चलो गुड एवरीबॉडी, जैसे ही हो जाए सीएलआर लिखो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, हो गया सभी का? काफी अच्छे क्वेश्चन है, और भी हो जाए तो बताओ. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबने कर लिया है ना. चलो सवाल लगाते हैं. ठीक है एवरीबॉडी, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है कि भाई अब के बार आपको लगभग सिमिलर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे एक सवाल देते हैं. देखना, हाँ मैं इस क्वेश्चन का तुमको हिंट भी दूंगा, सो डोंट वरी. अगर सपोज नहीं बनता इन वन को, मैंने टाइमर को तो जीरो कर दिया, क्वेश्चन देखोगे है ना एवरीवन. सो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक डायटोमिक गैस दी जाती है. देयर इज अ डायटोमिक गैस, लिखना हाँ आप लोग अपनी अपनी कॉपी में सभी लोग. एक डायटोमिक गैस एक्सपैंड करती है, ठीक है, आइसोबारिकली, एक्सपैंड आइसोबारिकली, आइसोबारिकली. क्वेश्चन अपनी अपनी कॉपी में लिखो एग्जाम के दिन के लिए. क्वेश्चन आपसे इस प्रोसेस में ये बताता है ये कितना वर्क करती है. डज 300 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, ये 300 जूल का वर्क करती है गैस. अब आपको क्वेश्चन कहता है इस गैस के लिए गामा की वैल्यू गिवन है इक्वल टू 1.4. ठीक है, वैसे डायटोमिक के लिए अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, गामा इज इक्वल टू 1+2/F. तो डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है, तुमको याद होगा, 5. ठीक है, तो उसके जरिए इसका कैलकुलेशन भी किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें दे दिए वैल्यू. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन लिखता है इसको हम एक्सपैंड करते हैं आइसोबारिकली. आपसे हीट पूछी जा रही है, हीट की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी जा रही है, कितनी सिस्टम को हमने सप्लाई की है, हीट गिवन टू सिस्टम. ठीक है, ऑप्शंस लिख देता हूं, तुम लोग लगाओ सवाल. 1050 जूल, ऑप्शन नंबर बी इज 950 जूल्स, ऑप्शन नंबर सी 600 और नेक्स्ट है 550. ठीक है, चलो एवरीबॉडी गो फॉर इट, 550. इस क्वेश्चन का भी अपन लोग टाइमर शुरू कर देते हैं, तुम लोग आंसर करो. एक डायटोमिक गैस है जो एक्सपैंड करती है एडियाबेटिकली, आइसोबारिकली, और हमें उसका 300 जूल का वर्क हो रहा है. ठीक है, वो गैस 300 जूल का वर्क कर रही है, आपको कितनी हीट सिस्टम को दी गई है ये निकालना है. ठीक है, यस गो फॉर इट, सुपर्ब, ट्राई करो, एब्सोल्युटली गुड निहार, वेरी गुड, सब लोग शुरू करो. दिस इज फ्रॉम 2016, ये 2016 का सवाल है, फ्रॉम वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, कॉम्पिटिटिव के एक एग्जाम में 2016 में पूछा गया. एनीबडी, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, गुड गुड गुड, लगाओ सवाल, देखते हैं. चलो 5 4 3 2 1, है ना, गुड सुपर. देखो हाँ बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसको समझना, और नहीं भी आ रहा ना एक बार में अच्छी बात है, ऐसे ही तो सीखते हैं. देखना हाँ, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं क्या? तुम ही लोग बताना ट्रू या फॉल्स. मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम चेंजेस टू इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, यही होता है कि नहीं, राइट? तो अब क्वेश्चन में हमको क्या कहा जाता कि आपका डायटोमिक गैस है, ठीक है, और एक्सपैंड करती है, 300 जूल का वर्क कर रही है. देखो दो चीजें होती है, एक होता है वर्क डन बाय द गैस, दूसरा होता है वर्क डन ऑन द गैस. जब जब गैस वर्क करे ना, जब जब गैस वर्क करे तो वर्क पॉजिटिव होता है. तो यहां पर बिकॉज गैस इज डूइंग वर्क, तो इसको सबसे पहले हम 300 जूल्स डाल देते हैं. अब क्या हम इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं? बड़ी आसानी से. देखो इंटरनल एनर्जी के लिए हमने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन एनी सिस्टम इज गिवन एज एन सी वी डेल्टा टी. ठीक
ठीक है, अब इस सीवी की वैल्यू पता है क्या होती है, एफ आर बाय टू, एफ आर बाय टू, या तो ऐसा लिख दो, या इसकी एक और वैल्यू होती है गामा अपॉन या आर अपॉन गामा माइनस वन, गामा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में इन लोगों ने क्योंकि हमें गामा के टर्म्स में दिया हुआ है, लेट अस राइट इट इन टर्म्स ऑफ गामा, तो यहाँ वैल्यू लिखी है अपन ने नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर बाय गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी प्लस 300। अच्छा और डेटा देखते हैं, हाँ क्वेश्चन में क्या दिया, तो इन लोगों ने आपको कहा आइसोबारिक तरीके से एक्सपैंड कर रही है और 300 जूल का वर्क करती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए देख लेते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं। देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ से मैं या तो पी डेल्टा वी चाहूँ तो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इफ नीड बी, है ना। और आपको देखो अब वर्क डन जो होता है ना किसी भी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए उसको भी डिराइव कर लेते हैं। देखो हम जानते हैं वर्क डन, अभी अभी हमने सीखा इंटीग्रेशन पी डी वी, मानते हो सब लोग, जल्दी देखो बहुत सिंपल है राइट, हमने अभी भी पढ़ा वर्क डन इज इंटीग्रेशन पी डी वी, आइसोबारिक है मतलब ये वर्क जाने वाला है इंटीग्रेशन के बाहर, करेक्ट, ले जाओ ऐसा, आइसोबारिक है मतलब ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ले गए, तो अब इंटीग्रेशन पी डी वी से पी डेल्टा वी आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम और यहाँ फाइनल, तो प्रेशर टाइम्स ऑफ डेल्टा वी ही बन रहा है वर्क, और उसी वर्क को हम लिख रहे हैं इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, करेक्ट। देखो अपन ने क्या किया, वर्क के लिए जो वैल्यू है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि 300, पी डेल्टा वी ही वर्क के इक्वल है और वही एन आर डेल्टा टी के भी इक्वल है, तो 300 वैल्यू आ रही है इस एन आर डेल्टा टी की, डाल देते हैं तो 300 प्लस 300, यहाँ डिनोमिनेटर में गामा माइनस वन, गामा इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 1.4, देखोगे यहाँ गामा अपन को क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है ना 1.4, तो अपन इसीलिए यहाँ गामा भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माइनस वन, देखो कितना आता, तो दिस इज 300 बाय 0.4 प्लस 300, कभी अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आए याद रखो 0.4 का मतलब है 4/10, तो ईजी हो जाएगा, तुम लिखोगे 300 बाई 4/10 प्लस 300, करेक्ट। अब इसको तुम कैंसलेशन कर लो चाहो तो 2 2s are 2 5s are, ये ऊपर चला जाएगा, वी विल हैव इसको 2 1s are 2 150s are, तो 150 × 5 दैट इज 70 750 प्लस 300 दैट विल गिव यू 1050, है ना। मैं रिपीट करता हूँ ध्यान से देखना, थोड़ा क्वेश्चन का मेथड टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बट क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हीट गिवन कैलकुलेट करो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहला स्टेटमेंट जो तुम लिखोगे वो होगा हीट एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इज इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, क्वेश्चन में वर्क डन दिया हुआ है ठीक है 300। अब मुझे इंटरनल एनर्जी निकालना था, हमने क्या किया सिंपल लॉजिक लगाया, और ऐसे ना कई सारे क्वेश्चंस आते हैं ठीक है, इस लॉजिक पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट लॉ पे। तो देखो हमने क्या किया, हमने लिखा कि भाई इंटरनल एनर्जी इज एन सी वी डेल्टा टी, ये हमेशा फिक्स्ड है चाहे कैसी भी प्रोसेस हो, वो भी लिखा तुमने। अब इस सी वी की वैल्यू होती है, ये जो सी वी है दिस इज आर बाय गामा माइनस वन, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया क्वेश्चन में, वंस दैट इज देयर, अब एन आर डेल्टा टी जो ऊपर आ रहा है सी वी से आ रहा है, एन आर डेल्टा टी पहले से ही था, किसी भी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए पी डेल्टा वी और एन आर डेल्टा टी सेम होते हैं अगर वो एक आइडियल गैस है ठीक है, वो भी अपन ने सब्स्टिट्यूट किया, बस अगर वो कर दिया तो एन आर डेल्टा टी पी डेल्टा वी की इक्वल, यही वर्क है, वर्क को 300 डाला और आंसर आसानी से आ गया विद इन सेकेंड्स। किसी के मन में कोई डाउट हो पूछो जरूर, लिख लो कॉपी में, मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम्हारे सीईटी के पर्सपेक्टिव से ठीक है। राइट यहाँ पर कार्तिक सिंह, हेलो ग्रेट, हेलो कार्तिक, हाय राहुल, हाय निहार, हेलो दस्तगीर, वेलकम टू द सेशन, चलो सुपर। सो अपन ऑफलाइन एक्सपेक्ट करते हैं रिलैक्स टाइम है कि नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक्सपेक्ट करो और जैसा भी हो उस समय उस हिसाब से निर्णय लो, प्रैक्टिस दोनों की रखो, ये मेरा बेस्ट विचार है ठीक है, प्रैक्टिस दोनों की रखो बिकॉज जैसा माहौल है वी डोंट नो कि क्या होगा ठीक है। चलो एवरीबॉडी हो जाता है, एक और सवाल लगाते हैं, सबने कर लिया, अगर क्लियर है तो सी एल आर लिख दो, यस मैं वेट करता हूँ तुम लोगों। डन एवरीबडी, हाई रुतिक कैसे हो, टेलीग्राम लिंक श्योर, सो फॉर दोज हु डोंट नो माय टेलीग्राम लिंक मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ t.me ठीक है / खुशवंत फतनानी HSC,
ये क्वेश्चन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको प्लीज लिख लो ठीक है अपनी अपनी कॉपी में। मेरा हंच कह रहा है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने टेलीग्राम लिंक डाल दिया, आप लोगों को दिख रही है क्या एवरीबॉडी? मैं यहाँ पे दोबारा से भी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। तो अब जब तक तुम लोग इसे लिखो, सो टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, आई विल ओपन इट हियर एंड शेयर आप लोगों के साथ। इसको कंप्लीट कर लो सब लोग। हाँ पीडीएफ में भेज देंगे, मैं भेज दूंगा श्योर, पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगा ठीक है। टेलीग्राम का लिंक तुम लोग यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने आई थिंक डाला हुआ है इसमें स्लाइड टेलीग्राम का। हाँ ये रहा, ये रहा, लिख लो। जो बच्चे टेलीग्राम लिंक पूछ रहे थे लिख लो, इट इज t.me खुशवंत फतनानी HSC, दिस वन, ये रहा ठीक है। ये टेलीग्राम का लिंक है, तुम लोग लिख लो अपने पास जरूरत हो तो। इस पे ना आप लोगों को पिछले साल के MHT CET के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मेरी हर क्लास का जो मैं प्लस और स्पेशल की क्लासेस लेता हूँ उसका लिंक भी मिल जाएगा ठीक है। जो स्पेशल की मैं क्लासेस रखता हूँ ना वो शाम के समय 9 बजे होती हैं जनरली ठीक है। तो जो भी रहता है आप लोग को उसका आइडिया इसके जरिए मिल जाएगा स्पेशल क्लासेस के बारे में। इसको लिख लो अपने पास एवरीबॉडी, स्पेशल क्लासेस जब भी होती हैं इसका आइडिया मैं आप लोगों को इसके जरिए प्रोवाइड कर दूंगा। और इसमें मैं हर दिन कुछ कुछ पोल्स डालते रहता हूँ ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो CET के हिसाब से भी, और अगर तुम JEE NEET की तैयारी कर रहे हो उस पर्पज से भी। फील फ्री टू यूज दैट टेलीग्राम चैनल वाइजली ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं वापस से, आई होप सबका काम हो गया। लिख लिया सबने टेलीग्राम का लिंक जिन्होंने पूछा था, काम हो गया, आगे बढ़ाऊं? एवरीवन एक बार लिख लो ना जल्दी से, अगर तुमने अपने पास कॉपी कर लिया तो W लिख दो। टेलीग्राम का लिंक सबने लिख लिया, इस पे तुमको क्वेश्चन पेपर पोल्स बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, वहां जाके डाउनलोड कर लेना ठीक है। फॉर्मूला नोटबुक भी डाली है मैंने इस पे, मैंने इस पे फॉर्मूला नोटबुक भी डाली हुई है CET की, बस जाके डाउनलोड कर लेना और अपनी अपने पास कहीं सेव कर लेना। वैसे ही मैंने इस पे अपने हैंडमेड कुछ नोट्स डाले हैं, हैंड रिटन फॉर्मूला कॉपीज भी हैं ठीक है। आई थिंक 5 या 6 फॉर्मूला कॉपी, 5 या 6 के आसपास अलग अलग कॉपीज है, जो तुमको बेस्ट लगे तुम डाउनलोड कर लेना ठीक है, यूज देम वाइजली। चलो लेते हैं, आगे आते हैं ठीक है फिर से क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट अस हैव अ क्विक लुक इनटू हाउ मच टाइम वी हैव इन हैंड। यस आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 30 मिनट्स का टाइम राइट। सो इट हैज बीन अ ग्रेट क्लास, वेरी गुड डियर लर्नर्स। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा ठीक है। तो अपन लोगों ने शुरू किया वर्क के बेसिक फॉर्मूला से ठीक है। फिर अपन लोगों ने एरिया ऑफ द वर्क पे क्वेश्चंस लिए, कैसे एरिया के जरिए आप वर्क निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन नीट का भी सॉल्व कर लिया ठीक है, जहां पे आपको एडियाबेटिक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना था। डायटोमिक गैस के एक्सपेंशन पे क्वेश्चन लिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने अभी भी समझाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका जरूर यूज करना ठीक है। और अब अपन आ जाते हैं आज के सेशन के समापन से पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं, अगर तुम अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो राइट फॉर द MHT CET सेक्शन, फील फ्री टू यूज माई कोड KF MAHA। आई थिंक इसके जो मंथली चार्जेस हैं काफ़ी लो रेट पर अभी अवेलेबल है, ट्राई टू गो फॉर दी सब्सक्रिप्शन ओनली इफ अगर तुमको लगता है तुम यूज़ करोगे। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑफर है तो ले लिया, नो तुम देखो क्या तुम्हें ज़रूरत है। पेरेंट्स का पैसा हैज़ दी हाईएस्ट प्रायोरिटी राइट, अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन। तो एजुकेशन लो लेकिन इस शर्त पे कि यूज़ करोगे सब्सक्रिप्शन को, डोंट जस्ट टेक इट फॉर द सेक ऑफ इट। सब ले रहे हैं मैं भी ले लेता हूँ, नहीं ऑफर है मैं भी ले लेता हूँ, नहीं, डू इट इफ़ यू नीड इट ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेटिंग यू नो 1 month, 2 month और 3 month का सब्सक्रिप्शन चार्जेस स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, और तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मैंने बता दिया क्योंकि ये स्पेशल क्लास नहीं है। जनरली स्पेशल क्लास में आई ट्राई टू प्रोवाइड विद द सर्टिफिकेट्स ऑल्सो, ताकि कोई बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको थोड़ा उसका रिवॉर्ड मिल सके ठीक है। आई होप सबको मज़ा आया, तुम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। इसी तरह से अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करते रहो और आने वाले समय में खूब उन्नति करो। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं राइट। दिस इज योर एजुकेटर खुशवंत फतनानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन। फिर से हाजिर होंगे थोड़ी और बातचीत के साथ, कुछ और अच्छे विचारों और अच्छी प्रैक्टिस के साथ। सुखी भव माय डियर डियर लर्नर्स, दिस इज योर एजुकेटर खुशवंत फतनानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन, है ना। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। सो कुछ अगर डाउट्स हो तो पूछ लेना, मैं इसका टेलीग्राम पे आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगा ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर कब है? सौरभ कह रहा है, सौरभ नेक्स्ट लेक्चर मुझे अभी टीम ने इन्फॉर्म नहीं किया, हो सकता है कल या परसों में हो। आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पर मैं इत्तला करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इन एडवांस। या जो अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है उसका आपको नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो यू विल गेट दी अपडेट वेन एवर, जनरली आफ्टरनून में ही होगा, प्रॉबेबली आफ्टरनून के ही समय होगा मोस्टली। इनकेस किसी और टाइम होता है यू विल अगेन गेट नोटिफाइड वाया दी टेलीग्राम चैनल। ऑल राइट, सो यस तेजस, आज अपन ने जितनी मेहनत कर सके किया, तुम लोगों को कुछ डाउट्स भी थे ना तेजस, तो उसको भी अपन ने सॉल्व करने की कोशिश की। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, राइट, जो कॉन्सेप्ट सिखाए उसमें मेहनत जरूर करना, ठीक है, राइट, बाय बाय।